गाइस क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप ध्यान से देखें तो ये पहले बात देखो, ये इसकी पावर है, इसकी पावर है, तो जब पावर सेम होती है तो आप एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा सकते हो कि ये पूरे की पावर होगा 2x-3y, ये होगा 2x+3y। इसकी पावर कितना है? होल की पावर 2 है। अच्छा, इसे आप जब एक्सपेंड करोगे तब वो क्या मिलेगा कि जब एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा, ये देख रहे हो, a-b, a+b। तो आप इसे ले सकते हो क्या, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर इसका भी क्या है स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितने हमारे पास हो गए, इसको खोलेंगे तो 4x² होगा प्लस 9y² होगा, और इसको आप खोलेंगे आपके पास ऐसे बनेगा, और इसका भी होल स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा खोलो इसको, कितना बनेगा आपके पास, 16x² + 81y की पावर 4, सॉरी यहाँ पे एक्स की पावर 4 होगा, 81 की पावर 4 हो जाएगा 9, 36, 72 -72 x² y² का होल स्क्वायर। आपको पता है जब आपके पास तीन टर्म अंदर होता है और उसका होल स्क्वायर करते हो, उसका होल स्क्वायर कर देते हो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में कितने टर्म आते हैं, ए स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर आता है, सी स्क्वायर आता है, 2ab आता है, 2bc आता है और 2ca आता है, जिसमें कितने टर्म हमारे पास होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास इसी तरीके से खोलो तो कितने टर्म मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास होंगे 6। इसमें किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैसा आपको मिलेगा, बोनस ना, जिसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म।